एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। महोत्सव 27 से 29 जनवरी तक आरटीएमएनयू जमनालाल बजाज प्रशासनिक भवन परिसर अमरावती रोड नागपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। एडवांटेज विदर्भ, जिसकी परिकल्पना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है, पहली बार खासदार औद्योगिक महोत्सव के तत्वावधान में नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह मंच विदर्भ का सबसे बड़ा औद्योगिक एक्सपो, व्यापार और निवेश सम्मेलन होने जा रहा है। खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ के मुख्य उद्देश्य विदर्भ के उद्योग का विकास, व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करके व्यापार विकास को सुविधाजनक बनाना, संचरण के विस्तार और विविधीकरण को सक्षम करना, निवेश के रूप में विदर्भ क्षेत्र के फायदों को उजागर करना और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वकालत करना और औद्योगिक विविधता का प्रदर्शन करना है, जिसकी जानकारी आज गडकरी ने दी है। त्यावेळी मेयरचा निर्णय करू, मला माहिती आहे विषय, रोकडेजी त्याच्याकरता प्रयत्न करत आहे, आय बसले आणि तुम्ही याच्यावर रोकडेजींची एकदा चांगली मुलाखत घ्या। या जयमान ज्वेलरी त्यांनी पुष्कळ काम पुढे केलेलं आहे आणि तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल, हे होईल सगळं, पण हे इतकं सोपी नाही आहे की एका झटक्यात झालं सगळं आलं, याच्यात अनेक गोष्टी इन्व्हॉल्व्ह आहेत, त्या लवकरात लवकर व्हाव्या ही तुमची अपेक्षा बरोबर आहे, आम्ही सगळे म्हणून ते करू आपण, होईल ते। उलट त्यांना डिफर हे मिळालंय एक एक वर्ष दोन दोन वर्षाचे, तुम्ही असे स्पेसिफिक केसेस असतील तर पार्लेवार साहेब तिथे आहेत, तर माझं म्हणणं हेच आहे की या निमित्ताने तिथे चार दिवस लोक जेव्हा येतील, अलग अलग प्रकारचे चेंबर्स राहतील, इस आयोजित कार्यक्रम की वजह से नागपुर के साथ साथ विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही व्यापार आने से यहां के अन्य व्यापारों का भी विकास हो। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश चंकलवार की रिपोर्ट।